नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 3ds Max ट्यूटोरियल के नेक्स्ट लेसन में। इस लेसन में मैं आज आपको बताने वाला हूं बेविल प्रोफाइल के बारे में। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। अब ये वर्जन मैं यूज कर रहा हूं 2019, इसमें बेविल प्रोफाइल अलग तरीके से यूज होता है, 2015 में अलग तरीके से। कैसे वो मैं बताता हूं। मान लो मैं एक रेक्टेंगल ले लेता हूं यहां पे, और मैंने एक रेक्टेंगल लिया। मान लो मेरे को एक फ्रेम बनाना है, जो फोटो फ्रेम होता है। तो मान लो मैंने इसको कर दिया 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर या 20 सेंटीमीटर बाय 20 सेंटीमीटर का फ्रेम बनाना है। तो मैंने ये एक फ्रेम लिया यहाँ पे, और उसके बाद मैं यहाँ पे जाके लगाता हूँ बी प्रेस करके बेविल प्रोफाइल। अब बेविल प्रोफाइल जब मैं इसके अंदर लगाऊंगा, तो यहाँ पे टू टाइप से आप बेविल प्रोफाइल लगा सकते हो। एक है बेविल प्रोफाइल क्लासिक और एक है इम्प्रूव्ड। ये लेटेस्ट वर्जन में है। अगर मैं आपको दिखाऊँ 2015 में, इसमें बेविल प्रोफाइल में सिर्फ एक ही ऑप्शन है क्लासिक का, और जिसको आप एक प्रोफाइल को पिक कर सकते हो। बट 2019 में दो दो प्रोफाइल्स हैं, क्लासिक और इम्प्रूव्ड आप यूज कर सकते हो। क्लासिक में तो क्या होता है कि बेसिकली आपके पास कोई एक प्रोफाइल होगा। मान लो मेरे पास ये एक प्रोफाइल है, आप इसको सिलेक्ट कर सकते हो, जैसे आपने लास्ट वीडियो में देखा स्वीप में पिक प्रोफाइल कर सकते हो और इस प्रोफाइल को पिक कर सकते हो। तो कम्प्लीट आपका इसी टाइप में आपका यहाँ पे आ जाएगा, कुछ इस तरीके से आपका कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसे तो आप इसको यूज कर सकते हो। अगर आपके पास नॉर्मल एक लाइन है, इस पे अगर आप बेविल प्रोफाइल यूज करते हो और क्लासिक यूज करते हो, पिक करते हो प्रोफाइल को, तो देखो इसमें क्या होता है, वो होल दिखाएगा यहाँ पे। कैप और एंड कैप यहाँ पे आप नहीं लगा सकते। कैपिंग अगर आप करना चाहते हो वो भी आप बाद में कर सकते हो, वो भी बताऊंगा अभी। ठीक है, ये तो था आपका क्या नाम है कि आपको एक प्रोफाइल को कैसे यहाँ पे यूज कर सकते हो बेविल प्रोफाइल को इन क्लासिक मोड। इसके फिर यहाँ पे कुछ ऑप्शन है, प्रोफाइल गिज्मो वगैरह को भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। उसमें क्या है कि आप कहाँ पे इसको रखना चाहते हो, कैसे प्रोफाइल रखना चाहते हो। अगर मैं यहाँ से चेंज करूँ इसे, जैसे मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ बेविल प्रोफाइल, मैंने सिलेक्ट किया प्रोफाइल गिज्मो, इस गिज्मो को भी आप सिलेक्ट करके इसके प्रोफाइल को छोटा या बड़ा कर सकते हो। बट अगर बात करूँ इम्प्रूव्ड की, तो इम्प्रूव्ड में देखो क्या होता है। मान लो इसको मैंने डिलीट करोगे तो वो प्रोफाइल भी आपका डिलीट हो जाएगा। अगर मैं इम्प्रूव्ड करता हूँ तो यहाँ पे मेरे कुछ इस टाइप के ऑप्शन आ जाते हैं। सबसे पहले मैं इसको एक्सट्रूड कर सकता हूँ। एक्सट्रूड करोगे एक प्रोफाइल इसमें से निकलेगा, कुछ ऐसे एक्सट्रूड हो जाएगा, कुछ इस टाइप से आपके दो प्रोफाइल बन जाएंगे, ये नीचे वाला ये ऊपर वाला। इसमें फिर आप सेगमेंट प्रोवाइड कर सकते हो जो नीचे वाले है, ऐसे आप इसको बेविल कर सकते हो। अब बेविल के कुछ प्रोफाइल्स हैं। सबसे पहले कस्टम। कस्टम में क्या कर सकते हैं, बेविल डेप्थ वगैरह आप इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो कि ये डेप्थ आपको कितनी चाहिए। बट सबसे पहले हम यूज करते हैं फर्स्ट प्रोफाइल जो है कॉनकेव नाम से। तो कॉनकेव पे क्लिक करो तो वो आपके प्रोफाइल को कुछ इस तरीके से यहाँ पे बना देगा। अगर आप यहाँ पे बेविल प्रोफाइल को इंक्रीज करोगे तो ध्यान से देखो, तो कुछ इस टाइप से आपके इस प्रोफाइल को वो इंक्रीज करेगा। यहाँ से बेविल पुश कर सकते हो तो वो अंदर की तरफ या बाहर की तरफ पुश हो जाएगा। तो ऐसे भी आप एक फ्रेम बना सकते हो अपना, कुछ इस तरीके से आपको बनाना है। ठीक है, आप इसके साइड के सेगमेंट डाल सकते हो ताकि वो स्मूथ बन जाए आपका यहाँ पे फ्रेम। आप आउटलाइन को इंक्रीज कर सकते हो, बड़ा या छोटा कर सकते हो आप अपनी आउटलाइंस को। और आप इसकी विड्थ भी मैन्युअली प्रोवाइड कर सकते हो कि इसकी विड्थ आपको कैसी चाहिए। अगर मेरे को इस प्रोफाइल को एडिट करना है तो आप बेविल प्रोफाइल एडिटर यूज कर सकते हो। तो ये प्रोफाइल आपका कुछ इस टाइप में था, ये देखो ये कुछ शेप ऐसे आ रही है। मैं इसको चेंज करना चाहता हूं तो मैं यहां पे ये कर लेता हूं ऑटो अपडेट, ताकि मैं इसके अंदर कुछ भी चेंज करूं तो देखो वो यहाँ पे चेंज हो रहा है। यहाँ पे आप इसे चेंज करते हो तो यहाँ पे इसका इफेक्ट आपको देखने को मिल सकता है। तो ऐसे आप इसको चेंज कर सकते हो अपने प्रोफाइल को। यहाँ से मैं अगर दूसरा यूज करूँ कॉनवेक्स, अगर मैंने यूज किया तो वो कुछ इस टाइप में है प्रोफाइल। इसको भी आप अपने अकॉर्डिंग एडिट कर सकते हो कि मेरे को ये प्रोफाइल कुछ इस टाइप में चाहिए। उसके बाद आप यूज कर सकते हो एनग्रेव प्रोफाइल, कुछ इस टाइप में प्रोफाइल आएगा इसका। अगर प्रोफाइल देखोगे तो ये कुछ इस टाइप में आपका प्रोफाइल नजर आएगा। इसको भी आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो कि मेरे को कितना चाहिए, कुछ इस तरीके से। उसके बाद है हाफ सर्कल, तो ये हाफ सर्कुलर वे में आपका प्रोफाइल आएगा यहाँ पे। इसको भी आप एडिट कर सकते हो, यहाँ पे क्लिक करें, यहाँ पे आपको प्रोफाइल एक मिनट नजर नहीं आ रहा है, आप यहाँ से पुश कर सकते हो। यहाँ से देखो हाफ प्रोफाइल वाले आप यहाँ से यूज कर सकते हो, कुछ इस तरीके से आप स्टेप को यूज कर सकते हो, ये आपका हाफ प्रोफाइल आएगा।
अगर मैं इसके एक्सट्रूजन को कम करता हूँ यहाँ पे कुछ यहाँ पे, तो अगर मैं यहाँ पे प्रोफाइल पे क्लिक करूँ एक सेकंड, अगर मैं लीनियर यूज करता हूँ तो यहाँ पे कुछ लीनियर टाइप का आपका प्रोफाइल आएगा कुछ इस टाइप में, अगर मैं यूज करता हूँ ओगी टाइप में तो कुछ इस टाइप में आपकी शेप यहाँ पे नजर आएगी। इस तरीके से आप अपने प्रोफाइल को यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं, एक प्रोफाइल आप अपना क्रिएट कर सकते हैं। और अगर मैं यहाँ पे थ्री स्टेप जाऊँ तो ये थ्री स्टेप्स आपको यहाँ पे दिखाएगा, कहीं पे भी आपको स्टेयर्स बनानी हो थ्री स्टेप्स आपको लगानी है कुछ इस तरीके से भी आप इस चीज को यूज कर सकते हो, अगर टू स्टेप चाहिए टू स्टेप यूज कर सकते हो। तो ऐसे करके आप अपने प्रोफाइल को यहाँ पे यूज कर सकते हो, और किस टाइप से आप एक फ्रेम को बना सकते हो आप यहाँ पे बनाए, मान लो आपका ये है फ्रेम बन गया। अब है कि अगर आप ऑप्टिमाइज इसे करेंगे तो ये आपका इफेक्ट यहाँ पे देखो किस टाइप में आ जाएगा, अगर आप यहाँ पे ऑप्टिमाइज करते हो मान लो कोई भी प्रोफाइल आपने लिया हाफ सर्कल, अगर मैं इसे ऑप्टिमाइज करता हूँ यहाँ पे कोई इफेक्ट अभी नजर नहीं आ रहा है, बट अभी मैं दिखाता हूँ कि कैपिंग में जाके जो स्टार्ट पॉइंट है यहाँ पे बेविल कैप, अगर नॉर्मल आपको कैप चाहिए तो आपका सिर्फ नॉर्मल कैप आएगी, अगर आपको नो कैप चाहिए तो आपकी कोई कैप नहीं आएगी कुछ इस टाइप में प्रोफाइल बनेगा, अगर आपको बेविल कैप चाहिए तो बेविल आपकी कैप आ जाएगी, अगर आपको चाहिए बेविल बट कैप नहीं चाहिए तो ये कैप यहाँ से हट जाएगी, सिर्फ आपका बेविल का प्रोफाइल यहाँ पे बन जाएगा। ऐसे ही आप नीचे कर सकते हो, ये है एंड की नॉर्मल कैप, नो कैप करोगे कोई कैप नहीं होगी, बेविल कैप करोगे नीचे भी बेविल प्रोफाइल आपका यहाँ पे बन जाएगा, दोनों साइड ही आपका बेविल का प्रोफाइल बन जाएगा, और बेविल नो कैप करोगे तो बेविल बन जाएगा और यहाँ पे नो कैप आपका आ जाएगा। क्लियर है? ऐसे करके आप इस चीज को यूज कर सकते हो, और कितना इसको एक्सट्रूड करना है, एक्सट्रूजन के प्रोफाइल क्या रखना है, आप उसको उस टाइप में यहाँ पे यूज कर सकते हो। तो कुछ इस टाइप में आपका यहाँ पे प्रोफाइल बन जाएगा कुछ भी अगर आप यहाँ पे करोगे। क्लियर? तो ऐसे करके आप क्लासिक और इम्प्रूव प्रोफाइल को यहाँ से यूज कर सकते हो, और आप इसकी हेल्प से अपना एक बढ़िया सा फ्रेम अगर आपको बनाना है तो इजीली कुछ इस टाइप का अगर आपको फ्रेम बनाना है इसके बीच में आप कोई भी प्रोफाइल या फोटो लगा सकते हो। अब मान लो आपके पास ये प्रोफाइल है और आपको ये आपने एक फ्रेम बनाया और आपने इसको बहुत अच्छे से यहाँ से क्रिएट किया है, और इस फ्रेम के बीच में आप एक फोटो लगाना चाहते हो, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, राइट क्लिक करो, जैसे हम लगाते हैं नॉर्मल एडिट पॉली कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं, मटेरियल पे जा सकते हैं, और ये मटेरियल हम यहाँ पे मान लो ये वाला मटेरियल है हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, और बिट मैप पे जाके हम कोई भी बिट मैप एक यूज़ कर सकते हैं, मान लो मैंने ये बिट मैप यूज़ किया, ओके ये आपका बिट मैप आ जाएगा, और इसको हम कर सकते हैं शो, अगर शो ना हो तो यू वी डब्ल्यू मैप है आपके पास वहाँ से आप इसे शो कर सकते हो, साइज बड़ा करना है तो आप इसे स्केल कर सकते हो कुछ इस तरीके से, और इसको प्रोफाइल को मूव कर सकते हो। तो ऐसे करके आपका फ्रेम यहाँ पे बन जाएगा और आपका प्रोफाइल यहाँ पे प्लेस हो जाएगा बहुत ही इजी वे में, एक फ्रेम बहुत प्यारा आप यहाँ से ऐसे क्रिएट कर सकते हो। तो ये था आपका बेविल प्रोफाइल, कैसे आप इस टाइप के प्रोफाइल बना सकते हो और कैसे आप इस चीज को आप यूज कर सकते हो इन अगर मेरे को दूसरा वो बनाना है तो मैं इसको करता हूँ सेलेक्ट इन्वर्ट और इस पे मैं अप्लाई कर देता हूँ सेलेक्ट किया एडिटेड पॉली अब सेलेक्ट इन्वर्ट करता हूँ ये सेलेक्ट किया इस पे मैं अप्लाई कर देता हूँ ये वाला ताकि इसको हल्का सा मैं फिजिकल मटेरियल और हल्का सा मैं कोई और कलर दे पाऊँ कुछ इस टाइप का कुछ ऐसे आपका एक फ्रेम आप बना सकते हो। तो ये था आपका बेविल प्रोफाइल। सो थैंक यू सो मच दोस्तों, आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, प्लीज अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें, और प्लीज अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों। Tell me pretty lies, look me in the face.
you love me, even if it's